हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप सैमसंग के डिवाइस में थीम को चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आता रहता हूं। आपका कोई भी सवाल बवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को उत्साह बढ़े। तो सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल थीम दिखेगा, आप जो भी आपको पसंद है वो थीम आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो क्या होगा कि इस तरीके का दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा मैं, और डाउनलोड करने के बाद इसको अप्लाई कर दूंगा। और मेरा वाईफाई की स्पीड सही है तो ये जल्दी हो जाएगा, मुझे वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ यूनिक सा लगेगा आपका, मैं बता देता हूँ, कुछ इस तरीके का दिखेगा ये आपको। तो गाइस, इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेट करके दिखा देता हूँ थीम को। फ्रेंड्स, मैं दूसरा वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं अप्लाई कर दूंगा और ये सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इट्स ट्राई पे आपको क्लिक करना है और आपका ये सेट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थीम अभी सेट हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे थीम सेट हो गया। और इसी तरीके से आप भी सेट कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको इस पर क्लिक करना होता है और आप चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने ये वाला लगाया था जो कि मैंने डाउनलोड किया था, और ये डाउनलोड भी हो चुका है, और इसी तरीके से आप भी सेट कर सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसा लगा है। तो मैं यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं, और ये डार्क वाला ऑप्शन आ गया है ऑटोमेटिकली, जो मेरा पहले लगा हुआ था वो आ गया। तो गाइस, इसी तरीके से हटा सकते हैं और लगा भी सकते हैं थीम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।